أعوذ بالله الصميم الأليم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد

और सुबह क़यामत तक बाकी रहने वाली किताब है जिसमें किसी भी कस्म का कोई शक नहीं है किसी भी कस्म का कोई शुभा नहीं है उस उसीम किताब में हमारा खालक इरशाद फरमाता है कि यक़ीनन अल्लाह ने ये इरादा कर लिया अहले बैत कि आपसे हर तरह के रिश्त को दूर रखे तमाम तरह की बुराइयों को दूर रखे और आपको पाक रखे इस तरह से कि जो पाक रखने का हक़ है अज़ीज़ा ग्रामी मुगल मस्जिद की इस तारीख़ी अशर मजालस में कल मैंने अपनी बात का आगाज़ किया और इस आय मुबारक के झेल में कल से अपनी बात शुरू की मेरे इस अशरे का आपकी ख़िदमत में फिर रिपीट कर दूं कल मैं अर्ज़ कर चुका था कि इस मर्तबा मेरे अशरे का रहेगा कि हम अहले बैत को क्यों मानते हैं अहले बैत के मानने की वजह क्या है कौन सी वजूहात हैं जिन बुनियादों पर हमने अहिल बैत को माना इस सिलसिले में अजीदा ने गी कल मैंने आपकी ख़िदमत में कुछ अर्ज़ करने की कोशिश की थी और थोड़ी देर आपकी ख़िदमत में कुछ अर्ज़ किया था मैं अपने तमाम सुनने वालों से जो जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या जो जो मेरी मजलिस को समात फरमा रहे हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ और उनकी ख़दमत में यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए हमने बहुत से ज़माने तारीख़ में देखे बहुत से अदवार का तारीख़ में मुतालिया किया इसलिए कि तारीख़ हमको बहुत कुछ बताती है और तारीख़ हमको बहुत कुछ सिखाती है पुराने वाकयात हमको तारीख ही के ज़रिए से पता चलते हैं पुरानी बातें हमको तारीख बताती है आज का जमाना बड़ा एडवांस ज़माना है आज का ज़माना बड़ा मॉडर्न ज़माना है मगर हर ज़माना अपने वक्त में एडवांस रहा और हर ज़माना अपने दौर में अपने ज़माने में बड़ा एडवांस और मॉडर्न रहा है लेकिन जब ज़माना गुज़र जाता है और इंसान इस ज़माने की तरक् में चंद कदम और आगे बढ़ जाता है तो वो दौर जो पीछे बीत चुका उसको वो माजी कहता है और उसको ये कहता है कि साहब वो ज़माना उतना एडवांस नहीं था आज के दौर आज के ज़माना ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा मॉडर्न है तो मेरे अर्ज़ करने का मतलब ये है कि आज ज़रा अबलाग बहुत हैं आज कैमरे हैं आज सैटेलाइट हैं आज खला से हमारी तस्वीर ली जा सकती है आज हमारी हर नकलो हरकत उस ही लम्हे में पूरी दुनिया में देखी जा सकती है जिस लम्हे में हम बोल रहे हैं या नकलो हरकत कर रहे हैं इस वक्त मैं आपकी ख़दमत में आपसे मुखातिब हूँ तो जहाँ जहाँ देखा जा रहा होगा दुनिया के गोशे में इसी लम्हे में मेरी सूरत भी पहुँच रही है और मेरी आवाज़ भी पहुँच रही है लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कल कैमरा नहीं था कल भी कैमरा था मगर जो कैमरा आज है वो कैमरा कल नहीं था कल मॉडरख का कलम लिखने का काम कर रहा था वो एक एक वाकया लिख रहा था एक एक बात लिख रहा था वो मंज़र कशी कर रहा था वो अक्कासी कर रहा था तो हमने तारीख़ में देखा कि कैसे कैसे दौर गुज़रे कैसे कैसे ज़माने गुज़रे जब हम पर मुश्किलें आईं, ऐसा दौर भी गुज़रा ऐसे हालात भी गुज़रे जब हम आज़ादारी नहीं कर सके ऐसा वक्त भी गुज़रा जब हम मजलिस मातम नहीं कर सके हमें क़ैद खानों में क़ैद किया जाता था हमें जुल्म हम पर जुल्म किया जाता था हमें ईज़ा दी जाती थी हम अपना अकैदा छुपाते थे हम अपना ईमान छुपाते थे अक्सर ऐसे मौके आए कि भाई ने भाई से अज़ीज़ ने अज़ीज़ से दोस्त ने दोस्त से बाप ने बेटे से बेटे ने बाप से अपना अकीदा छुपाया लेकिन तारीख गवाह है कि ज़माना गुज़रता रहा वक्त गुज़रता रहा हालात बदलते रहे। हुसैन इब्न अली का गम ना कल बनी उमैया और बनी अब्बास के दौर में रुक सका ना आज रुक सका चाहे जालिम सलातीन का दौर हो चाहे बनी उमै का दौर हो चाहे बनी अब्बास का दौर हो चाहे मुग़ल सलातीन का दौर हो चाहे जालिम और जाबिर बादशाहों के दौर हों हर दौर में हर ज़माने में हर हालात में हुसैन इब्न अली का तस्करा हुसैन इब्न अली का गम मनाया गया गुज्त साल आप जानते हैं कि किन हालात में पूरा मुहरम गुजरा और किन हालात में अयाम आज़ाद तमाम हुए बहरहाल हाल ये हमारे सीने पर दाव है और यह हमारे सीने पर एक कलक है कि जिस तरीक़े से हम आज़ादारी सैदुल शहदा आलाम करना चाहते थे गुजा साल उस तरीक़े से तो हम नहीं कर सके। ज़्यादातर ऑनलाइन प्रोग्राम हुए मजलिस ऑनलाइन हुई रास्ते बंद थे एक शहर से दूसरे शहर जाने में एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने में एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कतें भी थीं परेशानियाँ भी थीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, ज़माना बदलता है हालात बदलते हैं हर ज़माना एक जैसा नहीं रहता हर दौर एक जैसा नहीं रहता वो दौर गुज़रा लेकिन अभी हम पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुए हैं अगर हमारे जहन में कहीं पर यह ख्याल आ जाए कि हम इस बीमारी से आज़ाद हो गए जो कोविड 19 के नाम से जानी और पहचानी जाती है तो ऐसा हरगिज़ नहीं है मैं इस वक्त इस मजलिस के ताल्लुक़ से अपने तमाम सुनने वालों से तमाम अजादार सैदुलशहदा से तमाम उन लोगों से जो सरकार सैदुलशहदा इमाम हुसैन सलाम से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं मैं तमाम सुनने वालों से ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए यही हमारे महाराज कराम का हुक्म भी रहा है यही हमारे महाराज कराम ने हमको कहा है कि आप मेडिकल हदायात पर अमल कीजिए डब्ल्यू एच ओ की जो गाइडलाइंस हैं उनके ऊपर आप अमल कीजिए ऐसा नहीं है हमारा मजहब हमारा फिरका हमारी फ़ा कहीं पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करती है इसलिए कि हम उसके मानने वाले हैं जहाँ ये कह दिया गया कि लाख रादीन दीन में कोई जबर नहीं है दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है चुनानचे मराजा कराम के अहकाम पर अमल करते हुए साल गुजशत भी हमने मजलिसें कें अदादारी तो की मगर ज़्यादातर अपने घरों में की बाद में ज्याम अजा के आखिर में हालात बेहतर हो गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आखिर ज्याम आज़ा में बहुत खुल के हमने अदादारी की लेकिन उसके बाद इस बरस बीच में हालात ख़राब रहे एक दौर ऐसा आया कि हमको नहीं लग रहा था कि इस साल फिर मुहर्रम हो पाएगा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदियां तो कुछ ज़रूर हैं रिस्ट्रिक्शंस तो ज़रूर हैं मगर उसके बावजूद अदादारी हो रही है हुसैन मनाया जा रहा है देखिए यह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ग़म है और इमाम का तस्करा है इमाम हुसैन आलम की आज़ादारी है ये जिक्र हुसैन, ज़िक्रसन हुसैन, मजलिस हुसैन, सदियों के कांधों पर आगे बढ़ रही है ये सदियों के कांधों के ऊपर आगे बढ़ रही है इसके लिए कांधे बदलते रहेंगे सदियां बदलती रहेंगी ज़माना बदलता रहेगा हालात बदलते रहेंगे लोग बदलते रहेंगे अदादार बदलते रहेंगे जगह बदलती रहेंगी मगर नहीं बदलेगा तो हुसैन नहीं बदलेगा या हुसैन की सदा नहीं बदलेगी अगर कोई चीज़ न बदलने वाली हो तो वो है हुसैन इब्न अली का गम और वो है हुसैन इब्न अली का तस्करा तो अजीजान नहीं गिरामी बहरहाल हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं हम अपने अशकों का नजराना लिए हुए हम अपने टूटे फूटे अल्फाज उस साहेब बलागा के फर्जंद की बारगाह में हाजिर हैं हम अपनी मोहब्बत और अकीदत का नजराना लिए हुए बारगा शहादा में हाजिर हैं आका हमारे पास कुछ नहीं है मौला न हमारे पास इल्म है न हमारे पास ज़बान है न हमारे पास बयान है न हमारे पास जुमले हैं न हमारे पास अल्फ़ाज़ हैं न हमारी फ़िक्र है मौला लेकिन हमारे दिल में जज्बा यह है कि हम आपकी ज्यादा से ज़्यादा मदहा कर सकें आपकी अपनी बसात भर ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ कर सकें आपके फजाइल बयान कर सकें आपका हक बयान कर सकें आप पर पढ़ने वाले मसाइब का तस्करा कर सकें मौला इन्हें अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलीत बख्शी इसलिए कि अगर आपने शरफ कबूलीत बख्श दिया तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी बन जाएगी वरना हमारे पास कुछ है नहीं जो हम उनकी सरकार में पेश करें जिनके दरवाजे पर जिनकी डेहड़ी पर जिनकी चौखट पर फरिश्ते भी भीख मांग के लेके जाते थे जिनके दरवाजे पर भीख मांगना फरिश्तों के आस्ते भी इज्जत का सबब बनता था हमारे पास कुछ है नहीं लिहाजा ये चंद दिन अज्ञा में आजा के जिसमें इनशाला कुछ ना कुछ आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा मैं अपने इस नवान के लिए आपकी तवज्जो खास चाहता हूँ इसलिए कि बम्बई से इस शहर से मेरे घराने का बहुत कदीम रिश्ता है और ये शहर जो बलाद है बम्बई कहलाता है यह हमारे घराने का वतन सानी है इसलिए मैं आगाज़ में आज एक लम्हे के लिए यह बात अर्ज़ करता चलूं कि इस शहर से इस जगह से आप मोमिन से हमारा पुराना रिश्ता है पुराने ताल्लुक हैं पुरानी सलाम दुआ है इसलिए कि अट्ठावन बरस इस ही मंबर से वालद मरहूम खतीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब ने खिताब किया अट्ठावन बरस खतीब अकबर ने खताब किया उसके पहले मेरे जद्द मरहूम फ़्रलवाज़ी मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद ताहिर साहब कबिला खिताब फरमाते थे इसी बम्बई में इस मंबर पर नहीं मगर बबर अली के इमाम बाड़े में जो आज जैनबिया इमाम बाड़ा है वहाँ खिताब फरमाते थे और मेरे वालद मरहूम के बाद इस अशर मजालस को मेरे चचा इरफान मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक़ साहब ने खिताब फरमाया और आज आप हजरात की मोहब्बत ही है कि जिस देरना मोहब्बत की वजह से हम आपकी खदमत में हाजिर हैं तो हमारे आपके लगभग करीब करीब सौ बरस पुराने ताल्लुक़ हैं एक सदी होने को आ रही है कि हमारे और आपके ताल्लुक हैं जाहिर है कि वो लोग जो अस्सी बरस पहले नब्बे बरस पहले सत्तर बरस पहले थे उसमें से आज अक्सरियत ख़त्म हो चुकी है लेकिन न वो सुनने वाले हैं न वो पढ़ने वाले हैं मगर जिक्र तो वही है जो हमारे जद करते थे जो हमारे वालिद करते थे जो हमारे चचा करते थे आज जो हम कर रहे हैं इसलिए कि जिक्र है जिक्र सैयद शहदा जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो हर दौर में रहा हर जमाने में रहा हर हालात में हुआ तो अवीदान ग्रामी इन मजलसों में मैंने चाहा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हम अहल बैत को क्यों मानते हैं उनके मानने की वजह क्या है इसलिए कि आज का ज़माना और आज का दौर और आज का नौजवान हर चीज़ की रीज़निंग चाहता है तोज्जो चाहूँगा अविदान ग्रामी मेरा बयान शुरू हो रहा है कि आज का नौजवान रीज़निंग चाहता है के साथ क्या वजह है इसकी जबकि हमारे ऊपर जुल्म हुए हमारे ऊपर तकलीफ़ें ढाई गईं हमें क़ैद किया गया हमें कत्ल किया गया हमारे खून से गारे बना के दीवारें उठाई गईं हमें कैद खानों में डाला गया हमारा माल असबाब लूटा गया हमारे बच्चों को जबह किया गया क्या वजह है कि इन तमाम मुश्किलों के बाद इन तमाम परेशानियों के बाद इतनी तमाम तकलीफें झेलने के बाद हम उसी रास्ते पर कायम हैं जिस रास्ते पर 1400 बरस पहले आके बैठे थे एक सवाल जहन के अंदर यह पैदा होता है कि इसके पीछे रास क्या है इसके पीछे वजह क्या है क्या इस्लाम में अहिल वैत के अलावा कोई और नहीं है क्या इस्लाम में जिन बुजुर्गों को हम मानते हैं उन बुजुर्गों के अलावा कोई दूसरा नहीं है क्यों हम उसी रास्ते को पर चलते हैं जिस रास्ते पर हमको तकलीफें झेलना पड़ी हमको मुश्किलें उठाना पड़ी हमको सहबतें और परेशानियां उठाना पड़ी हमें कत्ल किया गया हमारे घरों को जलाया गया हमारा माल लूटा गया हम पर जुल्म जुल्माए गए उसके बावजूद भी आज हम उसी रास्ते पर कायम हैं तो नौजवानों के जहन में एक सवाल पैदा होता है एक सवाल उठता है मैं चाहता हूं कि इन मजलिसों के जरिए से इस सवाल का जवाब भी फराहम होता रहे इस जवाब का आंसर भी मिलता रहे कि इसके पीछे रास क्या है और इसके पीछे वजह क्या है चौदह सौ बरस पहले आज से चौदह सौ बरस पहले गदीर के मैदान में भरी दोपहर में सवा लाख के मजमे में हुजूर सवर कायनात ने जिनकी विलायत का ऐलान किया जिनको अपने हाथों पर बुलंद करके फरमाया कि मनकुन तो मौला हो फहाज़ अली मौला जिनको मौला बना के उनकी विलायत का ऐलान करके रसूल ने हमें हुक्म दिया हमसे कहा कि जाओ जाके अली के हाथ पर बैत करो अली को मुबारकबाद दो तो हमने गदीर की भरी दोपहर में हुक्म रसूल से रसूल की मर्जी से मौला अली के हाथ पर बैत की अली को मौला माना अली को मासूम माना अली को इमाम माना अली को मंतखब करदा परवरदगार माना उस दिन से आज तक हम गदीर ही के रास्ते पर कायम हैं वो रास्ता जो गदीर से निकल के आगे बढ़ा आज भी हम उसी रास्ते पर बैठे हैं आज भी हम उसी रास्ते पर कायम हैं ना हमने कल रास्ता बदला ना हमने आज रास्ता बदला मुश्किलों ने तो अपने रास्ते बदल दिए लेकिन हमने ना कल घर छोड़ा था ना आज घर छोड़ा है तो अजीज आने गिरामी इसके पीछे रास क्या है इसके पीछे वजह क्या है आप और फरमाइएगा कि इसका रास क्या है और इसकी वजह क्या है मैं अपने तमाम सुनने वालों को मुखातिब कर रहा हूँ कि हमारे पास तारीख़ ने बड़े बड़े लोगों को हमें पेश किया बड़ी बड़ी रिश्तेदारियाँ रसूल से हमारे सामने लेके आई कि देखिए इनसे रसूल की ये रिश्तेदारी है इनसे रसूल की यह कराबत है इनसे रसूलुल्लाह से ये ताल्लुकात हैं देखिए ताल्लुक होना अपनी जगह पर रिश्तेदारी अपनी जगह पर दोस्ती होना अपनी जगह पर किसी का किसी से मोहब्बत करना अपनी जगह पर और किसी का किसी इल्म को जानना और किसी का किसी मकसद को पूरी तरह समझना और समझाना और है दोनों में फ़र्क है दोनों में फ़र्क है एक साहब हैं उनके एक भाई और एक अज़ीज़ बड़े काबिल हैं बड़े आलिम हैं बहुत इल्म रखते हैं और उनके कुछ चाहने वाले भी हैं कुछ उनसे मोहब्बत करने वाले भी हैं कुछ उनके दोस्त अहबाब भी हैं कुछ उनके और भी करीबी लोग हैं जो उनके रिश्तेदार कहलाते हैं वो लोग भी हैं लेकिन अगर हम किसी मजबूरी में फंसेंगे अगर हम किसी मसले में उलझेंगे अगर कोई मसला हमारे सामने आएगा अगर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी तो हम रिश्तेदारी की बुनियाद पर दोस्ती की बुनियाद पर ताल्लुक़ की बुनियाद पर मोहब्बत की बुनियाद पर अपना मसला अपनी प्रॉब्लम अपना क्वेश्चन लेके उनके दरवाजे पर नहीं जाएंगे के जो सिर्फ एक बहुत बड़े आदमी से अपनी रिश्तेदारी का दम भरते हैं बल्कि हम उनके दरवाजे पर लेकर के जाएंगे जहां से हमारे मसले का हमें जवाब मिल जाए सा बहुत बड़ा उसका एक भाई है और अजीज है जो बहुत बड़ा डॉक्टर है उसके डॉक्टरी के उसके इल्म के चर्चे हैं पूरी दुनिया में बहुत बड़ा डॉक्टर है जरासे में मर्स को पहचान लेता है मर्स को पकड़ लेता है वो जो दवा देता है उस दवा के बाद फिर कोई आदमी बीमार नहीं पड़ता फिर उसको तकलीफ नहीं होती फिर उसको परेशानी नहीं होती और भी उस शख्स के कुछ अजीज हैं दोस्त हैं रिश्तेदार हैं ताल्लुकाती हैं जब हम बीमार पड़े तो आप सच बताइए कि हम किसके दरवाजे पर जाएंगे हमारी तबीयत खराब हुई हमें बुखार आया हमारे सीने में दर्द हुआ हमें तकलीफ हुई तो हम उन बहुत बड़े आदमी से रिश्तेदारी की बुनियाद पर उनके उन दोस्तों के पास जाएंगे कि जो हमारी जिंदगी के चिराग को गुल कर दें या उस डॉक्टर के दरवाजे पर जाएंगे कि जो हमारी बीमारी को दूर करके हमारी जिंदगी के चिराग को रोशन फैसला करना आपका काम है हैी हम किसके दरवाजे पर जाएंगे हमारी अकल क्या कहती है यही हम में और आलम इस्लाम में फर्क है आलम इस्लाम ने रसूल से रिश्तेदारी देखी है हमने देखा कि रसूल वाला इल्म किसके पास था रसूल वाला किरदार किसके पास था रसूल वाली सीरत किसके पास थी तहारत किसके पास थी तकवा किसके पास था मर्जी पवरदिगार किसके पास थी दोनों में फर्क हो गया जीरान ग्रामी ये मंजिल है खुदा की कसम इसीलिए अगर हम बीमार हुए तो हमने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को चूज किया अगर अदालत में मुकदमा की बात आई तो हमने बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा वकील किया जो हमारे केस को अच्छी तरीके से अदालत में रख सके उस पर बहस कर सके उसका तैयार कर सके अगर हमें घर बनाने की बात आई तो हम अच्छे से अच्छे इंजीनियर के पास जाएंगे, अच्छे से अच्छे आर्किटेक्ट के पास जाएंगे यानी हर मंजिल में ज़िंदगी की हर मोड़ पर इंसान अच्छे से अच्छा तलाश करता है अगर हमें अपने लड़के को अपनी औलाद को पढ़वाने की बात आए तो हम अच्छी दर्जगाह तलाश करेंगे अच्छा स्कूल तलाश करेंगे अच्छा टीचर तलाश करेंगे अच्छा पढ़ाने वाला तलाश करेंगे कि कौन सा स्कूल अच्छा है कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा उस्ताद अच्छा है कौन सा पढ़ाने वाला अच्छा है तो इन सारे मामला में जो दुनिया के चंद रोज़ा मामलात हैं और दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी में होके ख़त्म हो जाते हैं उसके लिए हमें अच्छे से अच्छा डॉक्टर चाहिए है अच्छे से अच्छा इंजीनियर चाहिए है अच्छे से अच्छा वकील चाहिए है अच्छे से अच्छा स्कूल चाहिए है अच्छे से अच्छा कॉलेज चाहिए है अच्छे से अच्छा मुदरस चाहिए है टीचर चाहिए है और वो जहाँ पर हमें हमेशा हमेशा के वास्ते रहना है जहाँ से हमारी आखरत जुड़ी हुई है जहाँ से हमारी वो जिंदगी जुड़ी हुई है जो इस आँख बंद होने के बाद शुरू होगी उसके लिए हमें जो रहबर मिल जाए उस रहबर के ऊपर हम बयात करके उसको अपना रहबर मान लें यह आखिर में आने वाली बात नहीं है यह कोई समझदारी की बात नहीं है जीरा निगरानी इसके वास्ते हमने उन मासूम हस्तियों को चुना उन मासूम बुजुर्गवारों को मुंतखब किया उन अहले एहलेत को माना जो अहले अहलेबैत हर लिहाज से हर लिहाज से बुलंद थे हर लिहाज से सबसे बेहतर थे यही तो वजह है कि इनमें बारह को हम इमाम कहते हैं तोज्जो चाहूंगा दीदाना गिरामी इनमें बारह को हम इमाम कहते हैं या इमाम के माने रहबर इमाम के माने लीडर इमाम के माने आगे चलने वाला जो रहबर हो जो लीडर हो जो आगे चलने वाला हो जो आगे आगे रहे कायनात पीछे रहे वो इमाम है इसीलिए लिए हम उनको वो इमाम हैं हम उनको इमाम मानते हैं इमाम मानते ही नहीं हैं बल्कि अल्लाह ने भी उनको इमाम बना के भेजा है अल्लाह ने उनको इमाम बना के भेजा जब इमाम हैं और हर मामले में इमाम हैं तो हमने इल्म में देखा तो वो इमाम नजर आए शजात में देखा तो इमाम नजर आए तकवे में देखा तो वो इमाम नजर आए खदमत दीन में देखा तो वो इमाम नजर आए इस्लाम के फैलाने में देखा तो वो इमाम नजर आए मुख्तर यह है कि हमने जिस फजीलत को जिस एंगल से देखा हर मंजिल पर वो आगे नजर आते हैं कायनात पीछे नजर आती है कायनात पीछे नजर आई है रीदान गिरामी तो हमने अपनी रहबरी के वास्ते अहले वैत को मंतखब किया कि हम अहलेत को क्यों मानते हैं चुनाचिए कल की मजलिस में मैंने आपकी खदमत में बहुत मुख्तर अर्ज किया था कि हमको रसूलुल्लाह ने बताया कि हमारे अहले वैत कौन हैं इसलिए कि अहले बैत अत रसालत हैं अहले वैत अहले बैत रसूल हैं रसूल के अहले वैत रिसालत के बैत इसमें हम किसी और को नहीं मानते इसमें हमने माना तो अली को माना फातिमा जहरा को माना इमाम हसन को माना इमाम हुसैन को माना और उनकी नस्ल पाक और उनकी आले पाक को माना ये हैं मंजिलें चुनानचे कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि अजवाज को हम दाखिल अहले बैत नहीं मानते अजवाज रसूल की इज्जत अजवाज रसूल का एहतराम अजवाज रसूल से अकीदत अजवाज रसूल से मोहब्बत ये सब अपनी जगह पर है मगर उनको अहले बैत में मानना या अहले बैत में ना मानना यह हमारा काम नहीं है ये रसूल ने हमें बताया जब अहले अहल की एक चाहने वाली बीबी को किसान आने से रोक दिया चादर में आने से मना कर दिया और कह दिया कि सलेमा तुम खैर हो इन न के अल खैर तुम खैर पर हो मगर चादर के बाहर रहो उनको चादर के बाहर ठहरा दिया रोक दिया तो घर में बीबी को चादर के अंदर ना बुला करके चादर में ना बुला करके रसूल ने बता दिया कि बीबी का मर्तबा जरूर अपनी जगह पर है मगर वो अहले बैत में शामिल नहीं है और उसके बाद जब मुबाहले में लेके सरकार तशरीफ ले गए तो उसमें भी उन्हीं को लेके गए जो जेर किसा मौजूद थे जो चादर में मौजूद थे यानी अली फातिमा हसन हुसैन और खुद सरकार मरतब की जाते गिरामी है। तो ने एक बार नहीं दो बार अपने अहलवैत को बताया एक बार घर में बताया एक बार घर के बाहर बताया एक बार चादर के नीचे पहचानवाया एक बार मैदान में पहचान वाया एक बार इस तरह पहचनवाया कि जोजा को मना कर दिया कि तुम खैर पर तो हो मगर चादर के अंदर ना आओ एक बार मैदान में किसी सहाबी को ना ला करके बता दिया कि सहाबी की मंजिल अपनी जगह पर है सहाबी उस वक्त सहाबी है जब तक के ला अल्ला और मोहम्मद अल्लाह कह करके मोहम्मद के हाथ पर बैत कर रहे और उनके पीछे नमाज पढ़े मगर अहले बैत वो हैं जिनके लिए रसूल ने फरमाया अली अन्नी अनामिन हो फातिमत तुम मिन्नी हसन उन्नी अनामिन हो हुसैन मिन्नी व नामिन हुसैन ये मंजिल है खुदा की कसम और फिर हमको तीन तरह के तप्पे मिले तीन तरह के लोग मिले सुनिएगा एक अब रसूल हैं दूसरे अजवाज रसूल हैं और तीसरे अहल बैत रसूल हैं हम इज्जत सबकी करते हैं एहतराम सबका करते हैं हम मानते सबको हैं हमारे ऊपर आलम इस्लाम एक एतराज़ करता है और आलम इस्लाम ये कहता है ये अहले बैत के मानने वाले शिया ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अहले बैत को मानते हैं उसके अलावा किसी को नहीं मानते उसके अलावा किसी को नहीं मानते मैं अपनी इस मजलिस में अपने तमाम सुनने वालों को मुखातिब कर रहा हूं और तमाम उन लोगों को भी मुखातिब कर रहा हूं अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हों या वो मजलिस सुन रहे हों जो ये कहते हैं कि हम सिर्फ अहल वैत को मानते हैं उसके अलावा असाब और अजवाज को नहीं मानते तो यह हमारे ऊपर सरासर इल्ज़ाम है ये सरासर हमारे ऊपर तोहमत और बोहतान है कि हम सिर्फ अहले वैत को मानते हैं ये बात बिल्कुल गलत है हम असाब रसूल को क़ायल हैं हम असाब को मानते हैं असाब रसूल की इज्जत करते हैं असाब रसूल का एहतराम करते हैं असाब रसूल की बड़ा मर्तबा है उनका इसके अलावा अजवाज को भी हम मानते हैं अजवाज का एहतराम करते हैं अजवाज रसूल की भी बहुत इज्जत करते हैं इसलिए कि वो अजवाज रसूल हैं रसूलुल्लाह ने उनसे अक्त फरमाया है उनको अपने हिबालय अग्द में लिया है इसलिए हम उनकी भी इज़्ज़त करते हैं उनका भी एहतराम करते हैं और हम अहल बैत को भी मानते हैं अहल वैत की भी इज़्ज़त करते हैं अहल वैत का भी एहतराम करते हैं इसलिए क्या अहल बैत वो हैं जिनमें को जिनको रसोल्ला ने अपनी ज़बान चुसाई है जिनको रसोल्ला ने अपने दोष पर उठाया है जिनको रसूलुल्लाह ने अपनी पुष्प बिठाया है जिनकी मधा में रसूलुल्लाह ने हदीसें इरशाद फरमाई हैं जिनकी डेहड़ी के ऊपर आके रसूलुल्लाह ने सलाम किया है जिनके दरवाजे पर आके रसूलुल्लाह ने इजाजत ली है हम अहल बैत को भी मानते हैं हम अब को भी मानते हैं हम अजवाज को भी मानते हैं मगर अब जरा सा मामला यहाँ से अलग होता है तवजो कीजिएगा चीज़ों कि अब जरा सा मामला यहां से घूम रहा है और वो मामला घूमता यहां से है कि देखिए हमारे पास मेयार हैं अहले बैत जैसे सोने को परखने के वास्ते कसौटी होती है वैसे ही हमारे पास मेयार हैं अहले बैत हम सोने को कसौटी में पर परख के देखते हैं कि कौन सा सच्चा है कौन सा खोटा है कौन सा सोना असली है कौन सा सोना नकली है कौन सोना है कौन पीतल है कौन सोने का है कौन सोने की पालिश हो करके हमें धोखा दे रहा है इसके लिए कसौटी है हमारे पास परख है हमारे पास इसी तरह से हमारे पास कसौटी और परख है अहले बैत उन अहले बैत की कसौटी व परख के हम देखते हैं जो कसौटी पर पूरा उतरता है उसे हम सलाम करते हैं जो कसौटी पर पूरा नहीं उतरता अपनी महफिल से उठा देते हैं अपनी महफिल में उसको जगह नहीं देते ना महफिल में जगह देते हैं ना अपने दिल में जगह देते हैं इसलिए कसौटी बैत हैं वो इतना बेवकूफ नहीं है दुनिया हर जमाने में बड़ी होशियार रही किसी के जहन में यह ना आए कि आज का इंसान बहुत होशियार है नहीं हर जमाने में आदमी होशियार रहा अपने वक्त के लिहाज से अपने हालात के लिहाज से अपने जमाने के लिहाज से हर दौर में इंसान समझदार भी रहे हैं और बेवकूफ भी रहे हैं। जैसे आज के दौर में भी एक से एक समझदार और जहीन इंसान हैं और एक से एक माशा बस क्या कहा जाए उनके वास्ते तो हर दौर में हर जमाने में होशियार भी रहे और एक से एक ऐसे भी रहे जिनके वास्ते कुछ कहते हुए मुँह पर रुमाल रख लिया जाता है तो अजीजान गिरामी हमने इज्जत सबकी की, की। एहतराम सबका किया मर्तबे के हम सबके कायल हैं मगर कसौटी में मेयार बना बैत जो इस कसौटी पे पूरा उतरा उसे हमने अपने दिल में भी जगह दी अपनी महफिल में भी जगह दी जो उस कसौटी पे पूरा नहीं उतरा न हमने कल उन्हें माना न आज उन्हें मान रहे हैं न कल हमारे दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हुई न आज हमारे दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हुई इल्जाम हमारे ऊपर गलत लगता है कि हम असाब को नहीं मानते हम असाब को मानते हैं हम अजवाज को मानते हैं क्या जनाब सलमान फारसी सहाबी रसूल नहीं थे क्या अबूजर सहाबी रसूल नहीं थे क्या मिगदाद साहबी रसूल नहीं थे क्या अम्मार साहब रसूल नहीं थे क्या हुज़ाइफ़ा साहबी रसूल नहीं थे ये नाम मैं कहां तक लू मैंने दो चार नाम आपकी खदमत में लिए है किसी में दम जो कहे कि सलमान साहबी नहीं थे है किसी में दम जो कहे अबू जर साहबी नहीं थे है किसी में दम जो कहे कि मिदाद साहबी नहीं थे ये साहबी थे हम इन्हें मानते हैं कि नहीं मानते क्या जनाब खतीजतुल्कुबरा मोमिनीन जनाब खतीजा जिनकी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह ने दूसरा अगज नहीं किया जिनकी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह ने दूसरी शादी नहीं की क्या ये जौज रसूल नहीं हैं क्या जनाब उम्म सलेमा जोज रसूल नहीं हैं ये जोज रसूल हैं हैं ये अजवाज रसूल महातुलमोमिन कहलाती हैं हम इनको मानते हैं इनसे अक़ीदत रखते हैं इनसे मोहब्बत करते हैं इनका एहतराम करते हैं इन पर अपनी जान फिदा करते हैं निछावर करते हैं क्या ये जौज रसूल नहीं हैं तो फिर ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम कहेगा कि आप असहाब को नहीं मानते आप अजवाज को नहीं मानते तो हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि जिनको आप मनवाना चाह रहे हैं हम उनको नहीं मान रहे हैं आप जिनको मनवाना चाहते हैं हम उनको नहीं मानते भैया ये बात तो हम पहले ही कह चुके कि हम आंखें बंद करके नहीं मानते हैं कसौटी परख के मानते हैं हम कसौटी पर परख के मानते हैं हम आंखें नहीं बंद करते हम कसौटी पर परखते हैं उसके बाद हम मानते हैं बस अदीजा ने गिरामी वक्त तमाम हो रहा है इंशाला कल इसके आगे अपनी बात को बढ़ाऊंगा सिलसिला कल आगे बढ़ेगा आज बस यहीं पर बात को मुख्तर करूं के अहले बैत अहले बैत अहले बैत चौदाह सौ बरस से हमने ना घर बदला ना दर बदला वही डेहड़ी है वही घराना है वही दर है वही बुजुर्ग हैं वही हस्तियां हैं वही मोहब्बतें हैं वही अकीदतें हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है कल इन शाह आप ये खिदमत में आगे अर्ज करूँगा जो मैंने कहा कि नौजवान के जहन में यह ख्याल आता है कि हम क्यों चौदह सौ बरस से अहले ही को मान रहे हैं जिनके मानने पर हमें तकलीफें भी हैं हमें परेशानियां भी हैं हमारे ऊपर जुल्म भी है इंशाल्लाह कल इस सिलसिले में बात आगे बढ़ेगी आज बस यहीं के ऊपर बात को तमाम करूं और मुख्तर करूं कि ये गम हुसैन इब्न अली का गम है और ये वो दिन शुरू हो गए जिन अजाम का हमें साल भर इंतज़ार रहता था हुसैन इबन अली का ज़माना हुसैन इबन अली का गम, बेशक अभी कल जो महीना तमाम हुआ वो महीना ज़िलहिज का महीना था वो महीना जो एक नबी के बेटे से मनसूब था जिसमें क़ुरबानिये इब्राहिम और इस्माइल की हम याद मनाते हैं और यह मुहर्रम का महीना यह महीना भी एक नबी के बेटे ही से मंसूब है वो छोटे नबी के बेटे से मंसूब था यह बड़े नबी के बेटे से मंसूब है वो क़ुरबानिय इस्माइल थी या क़ुरबानिय हुसैन इब्ने अली है वो बानी इस्माइल थी जहां उन्वान लिखा गया जो तमहीद बनी और यह कुरबानी हुसैन है जो असल मौजू है जो असल है हाँ आजीदों हुसैन का गम है मोहर्रम का चांद फलक पर नमदार हो चुका कल मैंने अर्ज़ किया था कि आठवें इमाम की खिदमत में देबिल खुदाई आए और उन्होंने आके मरसिया पढ़ा आज मुहर्रम की दूसरी रात आ गई दूसरी रात हम हुसैन को इस्तकबाल करते हैं कि आका तशरीफ लाइए मुहर्रम की दूसरी तारीख वो है जब जहरा का लाल मोहम्मद का नवासा अली और फातिमा का बेटा सरजमीन करबला पर पहुंचा अजीजों हुसैन इब्ने अली का सफर करबला में तमाम हुआ अट्ठाईस रजब सन साठ हिजरी को हुसैन ने मदीना छोड़ा जब सवाल बैत उठा था हुसैन या बैत कर लो या सर दे दो हुसैन या बैत कर दो या सर दे दो हुसैन ने नजिस की लईम की मलून की शराबी की फाजिर व की बैत को गवारा ना किया हुसैन ने अपने नाना का वतन छोड़ा अपने नाना की कब्र को खुदा हाफिज़ कहा अपनी माँ की लहत को अलविदा कहा अपने भाई के मज़ार पर जाके सलाम किया और हुसैन खान काबा आ गए मक्के आ गए इसलिए कि मक्का अम की जगह थी लेकिन जब मुहाफिज हरम ने देखा कि हाजी तो आए हैं मगर ये लिबास एहराम में खंजर छिपे हुए हैं मेरे कत्ल के इरादे से आए हैं हाजियों की भीड़ में चाहते हैं कि मुझे कत्ल करके खो जाएं, तो हुसैन ने हज को उमड़े से बदल लिया और यह कहते हुए मक्का छोड़ दिया कि मुझे मौत से डर नहीं लगता मैं मौत से खाइफ नहीं हूं मुझे तकद्दस काबा का ख्याल है हरमत हरम का ख्याल है एक बारिश बाहर निकल के मुझे कत्ल कर दिया जाए मगर मुझे यह गवारा नहीं है कि हदूद हरम से एक बारिश अंदर में कत्ल किया जाऊं इतना कहते कहते हुसैन ने हज को उमरे से बदल लिया हुसैन ने मक्का छोड़ा अब हुसैन ने जो रुख किया तो सरजमीन इराक़ का रुख किया इसलिए कि यही वो जगह थी जिस जगह का रोज़ अजल वादा किया गया था यही वो ज़मीन थी जिसका वादा हुआ था यही वो जगह थी जहाँ की मिट्टी रसूलुल्लाह ने जनाब उम्मे सलमा के हवाले की थी यही वो मिट्टी थी यही वो जगह थी जहां की मट्टी हुसैन ने अपनी नानी को यह कह के दे दी थी नानी इस खाक को भी उसी खाक में मिला लीजिए जो मेरे नाना आपके हवाले करके गए हैं हुसैन का काफिला मक्के से निकल के करबला की जानब जा रहा था इराक की जानब पहुंच रहा था कि रास्ते में एक रिसाला मिला साखिय कौशर के बेटे ने उस प्यास लश्कर को सैराब किया जो लश्कर का सरदार प्यास की शिद्दत से उसकी हालत गैर थी उसके सामने मश्क लाई गई बौखलाहट में घबराहट में प्यास की शिद्दत में उसने इस तरीके से मश्क खोली कि पूरा मश्क का पानी बह गया और वो पानी ना पी सका इधर आका हुसैन तशरीफ फरमा थे दूसरी मश्क लाई गई दूसरी को भी बौखलाहट और घबराहट के आलम में उसने उसका पानी बहा दिया और वो पानी ना पी सका साखी कौशल का बेटा यह मंजर देख रहा था हुसैन अपनी जगह से खुद खड़े हुए मश को उठाया तस्मा खोला अपने हाथ से उस प्यासे को पानी पिलाया अपने हाथ से उस लश्कर के सरदार को पानी पिलाया मैं कहूंगा लश्कर वालों ए लश्कर के सरदार ए काफिले वालों मोहम्मद के नवासे का ये एहसान याद रखना जब करबला में असले आशूर यही हुसैन अपने छह महीने के बच्चे को हाथों पर लिए हुए पानी मांग रहा हो तो एक मश पानी नहीं चंद कतरे पानी अली के दहन में टपका देना हाँ दीदाने ग्रामी हुसैन चले और यहां तक के चलते चलते रहवार एक जमीन पर आके ठहरा मोहम्मद के नवासे ने दूसरा रहवार बदला उसने भी एक कदम आगे ना बढ़ाया हुसैन ने तीसरा रहवार बदला उसने भी कदम आगे ना बढ़ाया राकेब दो रसूल ने चौथा रहवार बदला उसने भी कदम आगे ना बढ़ाया पैदर पै हुसैन ने सात रहवार बदले मगर किसी ने कदम आगे ना बढ़ाया तो एक मरतबा हुसैन ने उस इलाके के लोगों को बुलाया कबीले वालों को बुलाया और बुला के सवाल किया कि इस जगह का नाम क्या है इस इलाके को कहते क्या हैं किसी के जहन में यह ख्याल ना पैदा हो कि हुसैन को माज़ल्ला माज़ल्ला मालूम नहीं था हुसैन सब जानते थे इल्म गैब से इल्म इमामत से हुसैन सब कुछ जानते थे हुसैन उसके बेटे हैं जो मैदान में तलवार चलाते हुए नस्लों में देख लेता है क्या हुसैन को मालूम नहीं था हुसैन जानते नहीं थे हुसैन चाहते थे कि रकम तारीख रकम हो जाए आवाज रिकॉर्ड हो जाए ये चीज लिख ली जाए मौलिक अपने कलम से लिख दे कि हुसैन ने घोड़े बदले हुसैन ने इलाके का नाम पूछा कल का ये न कहे कि करबला एक हादसाती वाकया था करबला एक हादसाती वाकया था को ये ना कह दे हुसैन ने नाम पूछे किसी ने आगे बढ़ के कहा फरदंदे रसूल इसे गाजरिया कहते हैं किसी ने आगे बढ़ के कहा फरदे रसूल इसे नैनवा कहते हैं हुसैन पूछ रहे थे क्या इस इलाके का और कोई नाम है किसी ने आगे बढ़ के कहा आका इसे शत्ते फरात कहते हैं हुसैन ने सवाल किया क्या इसका कोई और नाम भी है तो किसी ने आगे बढ़ के कहा आका इसे करबो बला भी कहते हैं आका इसे करबो बला भी कहते हैं जैसे ही करबला का नाम सुना हुसैन ने आवाज दी भैया अब्बास ए मेरे लाल अली अकबर वो जगह आ गई जहां का वादा हुआ था खेमे नस्ब किए जाएं, सवारियों को बैठाया जाए लीजिए खेमे नस्ब किए गए सवारियां बैठाई गईं, बीवियां सवारियों से उतर के खेमों में तशरीफ ले गईं, मैं कहूँगा करबला की जमीन तुम्हें मुबारक हो एक करबला की जमीन आज वो आ गया जो सुबह क्यामत तक के वास्ते तुम्हें तमाम जमीनों से अफजल कर देगा तुम्हें तमाम जमीनों से मुमताज कर देगा करबला की जमीन आज उसने तुम्हारे सीने पर कदम रखा है जिसको मोहम्मद ने कलेजे से लगाया जो पुष्ट मोहम्मद पर सवार हुआ लेकिन करबला की जमीन ख्याल रखना जब दस मोहर्रम को इसको जबह किया जाएगा इसके छोटे छोटे बच्चे कत्ल किए जाएंगे इसका छह महीने का नन्हा मुजाहिद तुझमें दफन किया जाएगा तो करबला की जमीन ख्याल रखना इनको चैन से सोने देना तारीख में है कि करबला की जमीन को जलजला मैशर की खबर ना होगी हाँ हाँ जलजला मैशर की इस वास्ते खबर ना होगी जलजलाए मैशर एक बार आएगा दो बार नहीं आएगा जलजलाए मैशर तो करबला में एक अक्सर हिजरी में आ गया जब करबला की जमीन हिल रही थी आंधिया चल रही थी फुरात का पानी उछल रहा था मलायका के गिरिए की सदा थी फातिमा कह रही थी मेरे लाल ये तुझे किसने शहीद कर दिया